हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं खरबस बनाने की रेसिपी। ये खरबस खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जो गाय बच्चा देती है ना, उसका पहला दूध से ये बनाया जाता है। बहुत ही गाढ़ा दूध होता है, इसी वजह से उसे बनाया जाता है। तो हमने चीनी लिया है 2.5 kg, और इसमें हम दूध काफ़ी सारा डालेंगे। लास्ट में बताएंगे कितना दूध हम इसमें डाल रहे हैं। तो चीनी को घोलने के लिए हम थोड़ा सा दूध का यूज कर रहे हैं, 5-6 लीटर के लगभग, क्योंकि एक बार में ही अगर सारा दूध में अगर चीनी डाल देंगे घोलने में परेशानी होगी, तो थोड़ा दूध में इसको डालकर घोलें। तो हम हाथ से ही घोल रहे हैं इस तरह से। ये 5-6 मिनट के अंदर ही घुल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से ये गाढ़ा दूध दिख रहा होगा, गाय का दूध है ये, थोड़ा पीला सा दिख रहा है। तो इस तरह से हम सभी को घोल लेते हैं। तो हमने इसको घोल लिया है, और जो बाकी दूध है सभी को हम मिक्स करेंगे एक साथ ही। तो ये घुला हुआ है और अलग भी है, और हम इसमें पानी का भी यूज़ करेंगे। पानी और दूध और चीनी, बस तीन चीज़ों से ये बनने वाला है। तो अब हम बड़ा सा ये देख सकते हैं, ज़्यादा दूध है इसलिए बड़ा सा पतीला हमने लिया है, इसी में हम सभी को डाल देते हैं। और नीचे में थोड़ा सा चीनी वाला देख सकते हैं है, इसमें हम पानी डाल देते हैं। पूरा दूध हमने 13 लीटर लिया है, और 3 लीटर हम इसमें पानी यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ दूध से अगर ये बन जाएगा तो बिल्कुल टाइट सा लगेगा, खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा बहुत पानी इसमें डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा होता है। आफ्टर डिलीवरी गाय का जो भी दूध होता है उसे खीस भी बोलते हैं या खरबस भी बोलते हैं। तो ये बनता है इस तरह से, और ये बहुत भारी है, इसलिए मैं अपने अब्बू को ही बोल रही हूँ। एक पतीला हमने लिया, उसमें पानी हमने ये देख सकते हैं गर्म कर लिया है, और उसके ऊपर हमने ये दूध वाला पतीला रखा है। तो अब हम प्लेट से ढक देते हैं, और लकड़ी पे हम बना रहे हैं, तो ढेर सारा लकड़ी हम लगाएंगे। बहुत जल्दी ये काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ढेर सारा दूध है इसलिए टाइम तो लगेगा ही। तो हम इसको देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें लकड़ी लगा रहे हैं कि जल्दी हो जाए। और पानी अगर नीचे वाले पतीले में कम हो तो उसमें और हम गर्म पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी ये उबाल आ रहा है, और मैं चेक करती हूँ, ये 1.5 घंटे के बाद मैं देख रही हूँ। तो ये किनारे सा है, थोड़ा थिक दिख रहा है, लेकिन बीच में वैसे दूध सा ही दिख रहा है, झाग सा हल्का। तो फिर से हम ढक कर इसको और हम पकने देते हैं। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से बैठना ज़रूरी है। हमने इसमें और पानी ऐड किया था नीचे वाले पतीले में, क्योंकि इसमें पानी नीचे रहेगा तभी ये पक कर उसके भाप से ऊपर अच्छी तरह से ये खरबस तैयार होता है। तो एक चाकू से हम देख रहे हैं इसके ऊपर, तो ये थोड़ा थिक सा दिख रहा है, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे बहुत ही अच्छा टाइट हो जाएगा। तो ये हमारा लगभग तैयार ही हो गया है। 15 मिनट के लिए और हम ढककर छोड़ देते हैं। तो देखा आपने, बहुत ईजी है, देख सकते हैं। और हमने कम कर दिया है आग को लगाने के लिए, और ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे, ये काफ़ी भारी है। तो ये हम लोगों ने उतारा, और एक पानी में देख सकते हैं बड़ा सा टब हमने लिया, और उसमें हम रख दिए हैं पूरा पतीला को, ये खरबस वाले पतीले को, और इसको हम ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद देख सकते हैं ये ऊपर से पीला दिख रहा है, और ये बहुत ही अच्छा जम गया है, देख पा रहे होंगे। इसी तरह से बनकर तैयार होगा। आप थोड़ा भी बनाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें जैसे मीठा वैसे आप कर सकते हैं। और ये हम निकाल ले रहे हैं, ये नीचे से देख सकते हैं ऊपर से पीला दिख रहा है और नीचे से वाइट दिख रहा है, इसी तरह से होता है, ऊपर में मलाई जैसा होता है ना, इस वजह से। और चाकू से हम ये बर्फ़ी का शेप में काट दे रहे हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर मोदी केयर को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। बनाइए और खाइए, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।